हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे जेली। जेली बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं जेली। ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला जेली का पैक ले लिया है, अब हम इसे खोलेंगे। अब हम इन पाउच को खोलकर अपने बाउल में डाल लेंगे। दोनों पाउच को खोलकर बाउल में डाल लें। मिक्स कर देंगे और आधा लीटर पानी को हम बॉईल कर लेंगे और बॉईल किया हुआ पानी हम इसमें डालेंगे। मिक्स कर देंगे। अब हम जेली को सेट होने के लिए रखेंगे। ये मैंने जेली को सेट करने के लिए बाउल्स ले लिए हैं। अगर आपके पास जेली बनाने के लिए मोल्ड्स हैं तो आप मोल्ड्स में भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम सारे बाउल्स को फिल कर लेंगे। मटेरियल हमारा बच गया है। बचे हुए मटेरियल को अब हम आइस ट्रे में डाल देंगे और 45 से 50 मिनट के लिए हम इसे किचन काउंटर पर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया जेली हमारी सेट हुई है। 45 से 50 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आती है। आप भी इस जेली को एक बार ज़रूर बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया जेली हमारी बनकर रेडी है। हाँ तो फ्रेंड्स, जेली की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।